बक्का बोल बक्का मैं सोनी का अंडा तो इसके पास है क्या रे दादा छुपा मत देख लिया मैंने बता दादा ये कौन सा अंडा है रे एकदम सोने सार का दिख रहा अबे गलिया ये सोने का ही अंडा है मालूम नहीं इसमें किसने रख दिया दिखा तो अरे दादा ये सोने का अंडा दिख रहा रुक मैं सोनार को दिखा के आता अरे रुक रे अरे पत्रे अबे तुझे अंडे को सारे गांव में दिखाएगा अबे गण्या ये अंडा मैं खुद सुनार पास चेक करा जाता तू जब तक के ये अंडे बेच हां तो जल्दी आना है दादा हां चले अंडे वाले अंडे छोटू दादा के एकदम सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट अंडे बक्का बोल बक्का जल्दी से बाबू भैया को फूल लगा हां चल लगाता हाँ हेलो बाबू भैया तेरा अंडा मिल गया मेरा अंडा अबे मैंने कब दिया रे अंडा अरे बाबू दादा तेरा जो सोने का अंडा गम गया था ना वो अंडा मिल गया क्या बात कर रहा किसके पास है अरे वो छोटू दादा है ना अंडे वाला उसके पास है तेरा अंडा अरे हमने हमारे आके से देखे अरे इधर बोल हाँ अरे हमने हमारे आके से देखे अबे तो छीन लो ना उससे वो अंडा मगर वो छोटू अंडा लेके चले भी गया किधर किधर चले गया शायद वो कोई सुनार को बताने गया वो अंडा अरे मेरे बाप रे बाप अगर उसने वो अंडा सुनार को बेच डाला ना लफड़ा हो जाएगा अबे जल्दी से जाओ पकड़ो उसको तो बाबू भैया पैदल जाना या रिक्शा से जाना अबे ज्यादा दूर नहीं गया हूँ पैदल ही चले जाओ अरे लेकिन बाबू दादा मेरी चप्पल टूटी है ना अबे तो रिक्शा से चले जाओ अरे रिक्शा का भाड़ा कौन देगा पैसे का है हमारे पास अबे सालो 150 भी नहीं रहते गए तुम्हारे खीसे में अरे तू देता ही कहाँ पैसे जो खीसे में रखेंगे अबे बाता में टाइम मत पास करो जल्दी से जाओ ना तो चले जाएगा पकड़ो उसको ढूंढो वो तो हम ढूंढ लेंगे छोटू को मगर उसमें हमारा क्या फायदा है भैया अबे अगर एक बार वो सोने का अंडा मेरे हाथ लग गया ना तो मैं तुम दोनों के औरतों को दो दो ग्राम के सोने के बालिया बना के दे दूंगा भैया तुम क्या बोल रहे हो बाबू भैया फिर से एक बार बोल तो बाबू दादा अरे अगर वो अंडा मेरे हाथ लग गया ना सोने का तो तुम्हारे औरतों को मैं दो दो ग्राम के सोने के बालिया बना दूंगा सही है ना बाबू भैया हाँ जाओ जल्दी ओके बॉस चलो ऐसे ऐसे लुक्के लोगों को काम पे रख लिया मैंने कि क्या बोलना